Hello friends, once again welcome back in my YouTube channel. Friends, today I am going to discuss about how to design PV structure columns and beam. हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक पीवी स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को पीवी, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो हम उनको बता दें, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, उनका हम एक कॉलम लेंगे, कॉलम लेके इसको डिजाइन करेंगे, देखेंगे किस तरीके से उनके कॉलम पे टेपर सेक्शन लगा के डिजाइन करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि हम और भी ज्यादा टॉपिक्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे पीवी स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले हमें अपना बीम एंड कॉलम तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया मन, और यहाँ से क्लिक करने के बाद वो जो हमारा कॉलम है, दैट कॉलम इज एंकर रहे, कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करिए, और हम गए यहाँ से 4 मीटर, ओके, एंड लाइक जस्ट टेक लाइक दिस एंड दिस। मैं ये ज़ूम करके चलता हूँ, ये मेरा टेपर सेक्शन है, ये भी टेपर सेक्शन है, ये भी टेपर, और ये तो हम एक टेपर सेक्शन को टेपर, क्योंकि पीवी स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेपर सेक्शन होता है, उसको डिजाइन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहला काम जनरल, और जनरल पे आने के बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगा आपके लिए, दैट इज सेक्शन, सॉरी डिफाइन, एंड इन डिफाइन यू कैन जस्ट गो टू टेपर, एंड इन टेपर मेक श्योर आपको यहाँ पे स्टील रखना है, और यहाँ पे एक कॉलम के लिए और एक बीम के लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स टेक लाइक F1, देखिए यहाँ पे होने ये है, यहाँ पे तो F1 हमने ले लिया, यहाँ पे 0.62, एंड F2 ले लिया हमने यहाँ पे 0.005, सपोज हमने यहाँ ले लिया 0.142, एंड दिस इज आई टेक 0.1 एंड देन 0.006 इसको ले लिया हमने, और इसके बाद हमने 0.150 एंड उसके बाद लास्ट में ले लिया हमने 0.006। ये एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 क्या है, डेप्थ ऑफ द सेक्शन स्टार्ट नोड, ये देखिए F1 ये है, यहाँ पे देखिए आपको F2 भी मिल जाएगा, ये जो फ्लैंज है छोटा पतला सा, बेब जिसको आप बोलते हो, ये इसका क्या है इतना है, और उसके बाद यहाँ पे डेप्थ ऑफ द सेक्शन F4 जो हमें ज़्यादा लेना है वो यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक एक करके सबको डिफाइन करके ऐड कर देंगे। आफ्टर दिस फिर से हमें एक बार डिफाइन करना पड़ेगा टेपर सेक्शन को, और ये डिफाइन हम बीम के लिए करेंगे, तो फॉर बीम आई विल टेक हियर अगेन 1.42 0.005 0.62, जो वहां पे वैल्यू लिया आप वही ले सकते हो डायरेक्ट, और बस ये फ्लैंज का आप F1 का साइज बढ़ा देना है बीम के टाइम पे, और इसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे 0.006, और उसके बाद 0.150, एंड उसके बाद लास्ट में ले लिया हमने 0.006। तो इस तरीके से हमने बीम और कॉलम दोनों को डिफाइन कर दिया, और हमने सबसे पहले इस सेक्शन को लगाया दिस वन एंड देन दिस वन, और इसको असाइन कर दिया, और नेक्स्ट इज इसको हमने लिया, इसको लेकर हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है दोस्तों इसमें सपोर्ट, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे आना है, और ध्यान रखना है पीवी स्ट्रक्चर में हमेशा 3 सपोर्ट लगाते हैं, पैड, इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लोड एंड डेफिनेशन, और लोड के डिटेल एंड डेड लाइव लोड अगर आ रहा है तो, और इसके बाद डेड लोड को चाहिए ऐड करिए -1.15, और इसके बाद यहाँ पे मेंबर वेट पे आइएगा, मेंबर वेट पे आने के बाद, क्योंकि देखिए क्या होता है कि
उसपे कुछ ना कुछ तो लोड भी आएगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है सीट पड़ती है उसके ऊपर, लाइक कोई सीमेंट की सीट लगा दिया, कोई स्टील की सीट लगा दिया, इस तरीके कुछ ना कुछ रखोगे आप तो वो सीट का भी तो कुछ ना कुछ वेट आएगा, तो उसका वेट ज्यादा नहीं आता, तो हमने ले लिया 0.30। ओके 0.30, और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। और फिर हमने मान लीजिए लाइव लोड के लिए यहाँ पे, और लाइव लोड भी अगर वहाँ पे लोग आएंगे तो चलेंगे भी, और चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो वेट आएगा, तो यहाँ पे मेंबर पे जाके हमने लाइव लोड भी ले लिया -1 किलो न्यूटन का, या 1 किलो न्यूटन इज इनफ। और उसके बाद हमने इसको ऐड करके क्लोज कर दिया, और फिर सेल वेट को लिया, सबको सेलेक्ट किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, और ये लिया। अब इसे मेक श्योर आपको केवल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, असाइन टू सिलेक्टेड कॉलम्स। और इसके बाद हमने माइनस लगाना भूल गया मैं, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा कि जो लोड ऊपर से आएगा माइनस। और फिर उसके बाद इसको भी लिया असाइन, अब इस ये दोस्तों हमने इसको बना दिया है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको बोलते हैं पीवी स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनता है। हमने पूरा बिल्डिंग नहीं तैयार कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सर पूरा बिल्डिंग बताइए तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, और दूसरी चीज ये कम से कम 50 लाइक्स दे दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लाइक्स देते हो तो फिर मुझे लगता है ठीक है इसको बनाते हैं, 50 लाइक्स मुझे चाहिए, और 50 लाइक्स अगर आपने बनाया तो मैं इस पूरे इसको पूरे सेक्शन को पूरा बिल्डिंग में कन्वर्ट करूंगा, और उसमें विंड लोड लगा के पूरा जैसे इंडस्ट्री में होता है वो सेट पूरा तैयार करके आपको दूंगा। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड प्रिंट ऑल एड, और एक गुड न्यूज ये भी है कि इसको मैं टेक्ला में भी बना के दिखाने वाला हूँ। एनालाइज रन एनालिसिस से, चेक दिस एंड देन जस्ट गो फॉर डिजाइन। काफी लोगों ने पहले मेरे से वेयर हाउस वगैरह सीखा होगा पढ़ना, तो उनको पता होगा। और अब देखेंगे इसमें एक 0 एरर दिखा रहा है, दैट्स गुड, बट वार्निंग किस चीज का दे रहा है वो हमें रीड करना पड़ेगा। इंस्टेबिलिटी एट जॉइंट 5 डायरेक्शन mx, ठीक है, वो बोला है कि इंस्टेबिलिटी एट जॉइंट 5, जॉइंट 5 में को सही से सेट नहीं हो रहा है, तो अगर केवल एक जॉइंट ऐसा है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं तो ओके है, बट अगर डिजाइन में अगर दिखाता है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी डिजाइन, और क्योंकि तब वो क्या दिखाएगा, वो फेल स्ट्रक्चर दिखा देगा, और फेल स्ट्रक्चर दिखा तो हमें चेंज तो करना पड़ेगा स्टील। और यहाँ पे जाके IS 800 सेलेक्ट पैरामीटर्स, एंड यहाँ पे सबसे पहला काम आपको FC लेना है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। उसके बाद अगर ये बोल्ट ज्वाइंट है तो अलाउबल बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, और यहाँ पे बोल्ट को हमने डायरेक्ट 30,000 जो है एक्यूरेट वैल्यू होता है, ये 250 या 350 का आपका यील्ड स्ट्रेंथ होगा, हमने 250 ही लिया। और उसके बाद कमांड्स पे गए, चेक बोर्ड, और उसके बाद यहाँ पे गए मेंबर टेक ऑफ, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑप्टिमाइज। जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा स्टील का प्लीज देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ आएगा। वेयर हाउस में मैंने बताया था चेक कोड मतलब IS कोड को चेक करेगा, मेंबर टेक ऑफ मतलब एक लिस्ट बनाएगा, सेलेक्ट मतलब कोई फेल हो गया तो उसके ऊपर फिर से मेंबर लगाएगा, और कोई एकाध मेंबर ऐसा है जिसमें मेंबर लगाना हम लोड लगाना भूल गए उसको सेलेक्ट ऑप्टिमाइज से लगा देगा, और टेक ऑफ मतलब एक टेबल बना के दे देगा कि कितना मटेरियल लगेगा। सबको असाइन कर दीजिए, असाइन करने के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। एनालाइज रन एनालिसिस से, व्यू आउटपुट फाइल डन, और Some member sizes have changed since last analysis, ठीक है? कुछ member का size उसने खुद से change कर किया है, और हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारे लिए important है that is style,
कि इसका हमारा रिजल्ट जो है वो फेल है कि पास है, क्योंकि अगर पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टैप रेट यहाँ देखिए पास कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद टैप रेट इसको देखा हमने, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, पास पास, और टोटल जो इसमें स्टील लग रहा है दैट इज 4.78 किलो न्यूटन इसमें स्टील लग रहा है। तो ये केवल एक मेंबर था दोस्तों, अगर हमने इसका पूरा का पूरा बिल्डिंग बनाएगा तो ये लगभग 100 किलो न्यूटन के आसपास या उससे भी ज्यादा कभी कभी जाएगा, कि उतना आपको साइज देना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग पीवी स्ट्रक्चर के फ्रेम्स को डिजाइन करते हैं। अगर आप एक एक फ्रेम को डिजाइन कर लेते हैं तो आप टेक्लैब ले जाके इसकी मॉडलिंग करके और भी अच्छे से उसकी डिटेलिंग निकाल सकते हैं इसकी। जैसे कि अगर आपको पता हो यहाँ पे नी लगता है, यहाँ पे हंजेस लगते हैं, यहाँ पे पीवी बेस प्लेट्स लगती हैं, वो लगा के वहाँ पे पूरा स्टील कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना लगेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा मैं वीडियोज़ बना सकूँगा।